कल बनाना ना। हाँ कल ही बनाऊंगी, प्रिपरेशन तो आज की करके रख दूँ। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज है होली और ये जो क्लिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये हैं एक दिन पहले की, यानी कि होलिका दहन की। मैंने आपके साथ ऑलरेडी वो होलिका दहन का व्लॉग शेयर किया था, तो उसके हमारी सोसाइटी में जो पार्टी थी उसके बाद मैंने आके ये प्रिपरेशन कर लिया था। तो मैं यहाँ पर प्रिपरेशन कर रही हूँ दही बड़ों के इंस्टेंट मिक्सचर की। और फ्रेंड्स, इस मिक्सचर को मैंने ऐसे बनाया कि मैंने यहाँ पर मूंग की दाल ले ली थी, धुली हुई मूंग की दाल और थोड़ी सी उड़द की दाल। यानी कि अगर आप दही वड़ा का मिक्सचर बनाना चाहते हैं तो अगर आप एक कटोरी मूंग की दाल ले रहे हैं तो उससे आधा कप से थोड़ी सी ज़्यादा उड़द की दाल ले लीजिए। बस मैंने इन दोनों दालों को धोकर सुखा लिया था, एक दो तीन घंटे सुखा लिया था और बस उसके बाद इसको मिक्सी में पीस लिया था। तो और उसके बाद मैंने इसको छान लिया, तो ये मिक्सचर मेरा रेडी हो गया था, इंस्टेंट दही बड़ा मिक्सचर। और फ्रेंड्स, आई एम सॉरी बिकॉज मैं ये वाली जो प्रिपरेशन की क्लिप्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही बिकॉज मेरे फ़ोन में थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मुझसे कुछ गलती से कुछ वीडियोस डिलीट हो गई, तो मैं ये वाली क्लिप्स आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। तो जल्दी ही मैं आपकी एक फुल रेसिपी इंस्टेंट दही बड़ा मिक्सचर की मैं जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी। और फ्रेंड्स, दोनों दालों को पीस कर मैंने जब छाना था तो उसके बाद मैंने इसमें साबुत जीरा ऐड किया है, नमक ऐड किया है और थोड़ा सा हींग ऐड करके रख लिया था एक एयरटाइट कंटेनर में। और बस ये वाली क्लिप्स जो आप देख रहे हैं ये हैं नेक्स्ट डे की, यानी कि होली की। आज क्योंकि मैं दही बड़ों के साथ हमें हरी चटनी चाहिए होगी, तो मैंने यहाँ पर धनिया साफ करके अच्छे से रखा है और थोड़ा सा पुदीना लिया है। इस चटनी को बनाने के लिए धनिया की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, पुदीने की थोड़ी कम होती है। तो और इस चटनी को पीसने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी सेंधा नमक, थोड़ा सा काला नमक और नींबू। और नींबू डालने से ये चटनी काफ़ी दिन तक फ्रेश रहेगी, आप इसको कम से कम 4-5 दिन तक पीस कर रख सकते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसमें पीसते वक्त मैंने थोड़ा सा साबुत जीरा भी ऐड किया था। तो इस तरह से आप अपने फ्रिज में बना कर रख लीजिए चटनी, और जब भी आपको ज़रूरत हो तो हरी हरी फ्रेश फ्रेश चटनी खाइए। और नींबू डालने से इसका कलर भी चेंज नहीं होगा। और मैंने इसको स्टोर कर लिया है एक एयरटाइट कंटेनर में और मैं इसको अब रख दूँगी फ्रिज में। और फ्रेंड्स, हरी चटनी हो गई रेडी है। अब इसके बाद मैं बनाना स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे इंस्टेंट दही बड़ा मिक्सचर से दही बड़ा। तो यहाँ पर मैंने पहले सोचा थोड़ा सा मिक्सचर बनाती हूँ, बट दही बड़ा सबको बहुत पसंद है, तो मैंने जितना भी मिक्सचर इंस्टेंट बनाया था वो मैंने सब ले लिया है। और इसमें मैं गर्म पानी ऐड करके इसको सोक होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख दूँगी। तो जब तक हमारा मिक्सचर रेडी हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर कुछ फ्राइम्स भी फ्राई कर लिए हैं और देवरानी यहाँ पर बना रही है नूडल्स। तो आज बच्चों ने डिमांड की कि मम्मा आज नूडल्स खाएंगे, चाउमीन खाएंगे। तो देवरानी बहुत अच्छी नूडल्स बनाती है, तो वो जब तक नूडल्स बना रही है, यहाँ पर मैंने बैटर के अंदर थोड़ी सी हरी मिर्च काटकर और अदरक कस के अच्छे से मिक्स कर दी है। और फ्रेंड्स, इस बैटर को अच्छे से फेंटना है ताकि इसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए। और जब तक उसको मैंने 15 मिनट्स तक रेस्ट करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पर इमली गर्म पानी में भिगो के रख दी है और यहाँ पर देखिए बैटर अच्छे से फ्लफी हो गया है और अब इससे हमारे दही वड़े बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ वाटर टेस्ट। इस तरह से आप अपना बैटर इसमें पानी में गिरा कर देखें, तो अगर इसका ये जो बैटर है ऊपर फ्लोट करने लगे तो इसका मतलब कि आपके दही बड़ा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये देखो देवरानी लगी पड़ी है, इतनी बढ़िया चाउमीन बना दी है। कैसे बनाई है बताना, हाथों से बनाई है? हम तो पैरों से बनाते हैं, हम हाथों से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, हंसी मजाक करते हुए किचन में हम दोनों ने यहाँ पे बना लिया है, एक डिश तैयार कर लिया है। चाउमीन बन गई है बच्चों की फेवरेट। अब मैं यहाँ पे दही बड़े बना रही हूँ, तो यहाँ पे इस बैटर को मैं धीरे धीरे करके अपने हाथों से ही डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो चम्मच से भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने अपने हाथों को पानी में भिगो भिगो कर इस बैटर को थोड़ा थोड़ा लेकर इसमें हॉट ऑयल में डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा हॉट ऑयल में भी इसको नहीं डालना है। और बस ये जब एक तरफ से सिक जाए तो इसको धीरे धीरे चम्मच की हेल्प से इसको मैं पलट रही हूँ, और पलटने के बाद इसको दोनों साइड से हल्का हल्का फ्राई करना है, भूनना है ब्राउन ब्राउन। तो देखिए फ्रेंड्स, कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे से मैंने दही बड़े बनाकर यहाँ पर तैयार कर लिए हैं। और यहाँ पर मैंने इमली का जो मैंने भिगो के रखी थी उसको मैं छन्नी से छान लूँगी, और साइड में जो गुड़ भी भिगो के रखा हुआ था उसको भी अब हम इसको इन दोनों को मिक्सचर को मिलाकर दही सौंठ रेडी करेंगे, गुड़ और इमली की सौंठ।
तो इसके बिना दही बड़े तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो आज ही ये मैंने सौंठ भी बनाई, हरी चटनी बनाई और दही बड़े भी बनाए। तो इस तरह से इंस्टेंटली आप बहुत जल्दी से कोई किसी फेस्टिवल पर इतनी अच्छी डिलीशियस डिश रेडी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हो सकता है आप लोगों ने ये सौंठ बना के पहले ही रख ली होगी, बिकॉज़ ये काम पहले के होते हैं, लेकिन हमने कल हम इतने टायर्ड हो गए थे तो ये काम हुआ ही नहीं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कितनी देर लगेगी तो ये काम भी कर ही लेते हैं। बिना सौंठ के तो दही बड़े खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ सौंठ बनाने के लिए यहाँ पे कुकिंग ऑयल ले लिया है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और थोड़ी सी अजवाइन डाली है। उसके बाद हमने ऐड कर दिया है इसमें इमली का पानी और जो हमने गुड़ घोल कर रखा था वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप गुड़ की सौंठ ना बनाना चाहें तो आप चीनी की सौंठ भी बना सकते हैं, वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो बस इस मिक्सचर को हमें पका कर थोड़ा गाढ़ा करना है और उसके बाद इसके अंदर काला नमक, सफ़ेद नमक ऐड करेंगे और सौंठ पाउडर भी ऐड करना है। अगर आप सौंठ पाउडर ना डालना चाहें तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, सौंठ पाउडर होता है ना जिंजर पाउडर, अगर हम अदरक को सुखा कर पाउडर बना लेते हैं तो वो सौंठ पाउडर बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे दही बड़े बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गए हैं और कितनी अच्छी जाली इनके अंदर बन रही है। तो बस मैं इनको यहाँ पर बनाने के बाद थोड़े से हल्के गुनगुने पानी के अंदर थोड़ा सा नमक और हल्की सी हींग डालकर डिप करके रख दूँगी। और फ्रेंड्स, करीब 15 मिनट्स इनको डिप करने के बाद मैंने इनको इनके पानी से निचोड़ कर बाहर निकाल लिया था और यहाँ पर दही भी मैंने अच्छे से छान लिया है, जिससे सिल्की सा दही दही बड़ों के लिए तैयार हो जाएगा। हैप्पी होली, बाय बाय, हैप्पी होली, बाय बाय। पूरा गंदा हो रहा है। चलो आ जाओ, उठा लूंगी। तो फ्रेंड्स, हमारी होली की पूरी तैयारी हो चुकी है। दही बड़े यहाँ पर बन चुके हैं और ये है दही। और दही बड़ा में मिलाने के लिए मैंने यहाँ पे एक मसाला भी तैयार कर लिया है। इसमें मैंने डाला है नमक, काला नमक और जीरे को पीस कर डाला है और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर ऐड करके एक मसाला तैयार कर लिया है और सौंठ भी तैयार कर लिया। और मैंने जब सौंठ तैयार हो गई थी तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर लिए थे, बट मैं उसको शूट करना मुझसे मिस हो गया। तो बस हम यहाँ पर हम नीचे पहुँच गए हैं और हमारी सोसाइटी में इसी तरह से होली सेलिब्रेट होती है। सब लोग इकट्ठा होकर पार्क में सेलिब्रेट करते हैं और आप बच्चों की हालत तो देख ही रहे होंगे क्या है। और फ्रेंड्स, बच्चे काफ़ी देर पहले से नीचे जा चुके थे, एंजॉय कर रहे थे, तो हम लोग काफ़ी लेट गए क्योंकि छोटी बच्ची भी है निया, तो वो परेशान कर रही थी। और बस यहाँ पर सब लोग हमारी जो सोसाइटी के हैं, हमारी बिल्डिंग के, वो सब अपने अपने घर से कुछ ना कुछ बना कर ले आते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फूड आइटम हो जाते हैं और सब लोग बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। तो इस तरह से हम सब मिलजुल कर होली का त्यौहार मनाते हैं। सब खत्म हो गया था, बन रहा है ब्लॉग। हाँ, इतनी सारी चीज़ें थी, फोन इन्होंने आते गीला शुरू कर दिया ना। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम नीचे पहुंचे थे बस एंजॉयमेंट शुरू हो गया, क्योंकि ये त्यौहार होता है फ़न का, मस्ती का। तो उसमें बिल्कुल भी शूट करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि बच्चे तो पानी बिना डाले मानते ही नहीं है। तो पानी के बिना तो होली का मज़ा ही नहीं है। और फ्रेंड्स, अगर शूट करते वक्त मोबाइल गीला हो जाता है तो मोबाइल ख़राब हो जाता है, इसलिए सभी ने अपने मोबाइल हटा कर रखे हुए थे और पूरी मस्ती कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैं जो दही बड़े का सभी यहाँ पर सेल्फ सर्विस थी, सब अपना दही बड़ा खुद बना कर ले रहे थे, तो मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाई। और अगर आपको ये मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, छोटा सा सेलिब्रेशन होली का, और आपने कैसे होली सेलिब्रेट किया है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आई विल सी यू सून, एंड टिल देन बी सेफ एंड हैप्पी होली।